65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूँ। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। साक्षी मलिक, विनीत फोगाट और बजरंग पूनिया का प्रोटेस्ट लगातार जो है आसमान छू रहा है। आपको दर्शकों बता दें कि यहाँ पर तमाम लोग जो है विनीत फोगाट के समर्थन में उतर चुके हैं। जंतर मंतर लगातार जो है तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि अब जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की रिपोर्ट्स को नहीं देखना चाहिए? क्या यहाँ पर टेस्ट नहीं होना चाहिए? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यौन उत्पीड़न जैसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच करवाना चाहिए। अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि जांच करवा लीजिए। सुनिए इस वीडियो को। बहुत खराब हो गया जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया, मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं ये बताने का समय नहीं है, लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो बज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? टिकै साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब
आम आदमी पार्टी के नेता तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा बृजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा, आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा, जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। और फिर हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है? ना दिन है, ना तारीख है, ना तारीख है, ना फोटो है, ना वीडियो है। और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं, मैंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। चाचा ताऊ, मैंने किसी गरीब लड़की के मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है, मैंने गरीब बच्चों की मदद की है, मैंने किसी के साथ अलग से फोटो नहीं खिंचाया है। आपकी माताएं, बहनें, बेटियां, आप पूछो कि कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं जो 90-90 साल की हैं, जब अपने बच्चियों के साथ जाती थीं, तो मैं उनको, बुजुर्ग माताओं को अपने बगल में बैठाता था और सारे हिंदुस्तान को उदाहरण देता था, देखो ये बूढ़ी माँ आई है, ये अपनी नाती को साथ लेकर के आई है, अपने बेटे को साथ लेकर के आई है। अगर चाहते हो कि देश की कुश्ती आगे बढ़े, देश का खेल आगे बढ़े, तो इस हरियाणा की बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लेने का काम करो और इसके नक्शे कदम पर चलने का काम करो। ठीक है, आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। चाचा ताऊ, किसी स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी स्वयं मर जाएगा। आज यही हो रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पर लुटा दिया। चाचा ताऊ, भारत की कुश्ती बढ़ाने के लिए मैंने कम से कम अपने जेब से 25-30 करोड़ रुपया खर्च करने का काम किया है। इन्हीं खिलाड़ियों से पूछो, जब ये जाते थे, विशेष करके कैडेट और जूनियर के खिलाड़ी जब कभी विदेश में जाते थे, तो मैं पहले ही बता देता था, जो गोल्ड मेडल लाएगा उसको $200 दूंगा, जो सिल्वर लाएगा उसको $150 दूंगा, जो ब्राउन्ज लाएगा उसको $100 दूंगा। नहीं होता था, ये मेरा स्वयं के तरफ से होता था। ये जितने खिलाड़ी आज मेरे ऊपर जो रावण बता रहे हैं, कंस बता रहे हैं, दुराचारी बता रहे हैं, उनसे पूछो इसमें कौन सा बच्चा है जिसने मेरे हाथ से डॉलर न लिया हो।
अचानक सब कुछ बदल गया। जब मैंने एक नियम बनाया कि नेशनल में आना है, कैंप में आना है तो नेशनल खेलना पड़ेगा, ओपन नेशनल खेलना पड़ेगा, अगर नहीं खेलोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेरे चाचा ताऊ, कॉमनवेल्थ की टाइल देख लो, अगर इन हीरो पार्टी को विशेष सुविधा ना दी गई होती तो आज इनके पास कॉमनवेल्थ का मेडल ना होता। और मैंने महसूस किया कि अब नीचे के बच्चों को ऊपर लाना है तो ये जो अस्त विशिष्ट स्वाभिमानी जिनको सब मिल चुका, इनको कोई नियम। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई दे रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर जांच होती है तो क्या सच में ब्रजभूषण शरण सिंह फंस जाएंगे, या फिर जो एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है वो सिनेरियो तैयार हो जाएगा? क्योंकि सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि अब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने यहाँ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है और WFIA का अगर चुनाव होता है, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा का होना चाहिए। ये तमाम सवाल कयास के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि यहां पर अगर जांच होती है, टेस्ट करवाए जाते हैं, तो आखिर सच क्या होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।